अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो है ना हम मेहमान बने हुए हैं इधर जहद भाई की फैमिली के पास, शहद भाई की फैमिली के पास। अंदर बैठ बैठ के आज थोड़ी सी गर्मी में आया है तो सारा पानी मुंह में मार रहा है और इसे बाकी होश नहीं आ रहा। पानी इसके मुंह पे मारते हैं फिर इसे होश आ जाता है। असल में ना एक आदत बन गई थी ना, घर से अब निकला भी नहीं जाता ना कमरे से बाहर। इतने अरसे बाद घर से निकला है, कमरे से निकला है, पूरा माह रमजान का महीना अंदर बैठे रहे हैं, रोजे रखे हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह ये देखे की मेरी आप ही कैसी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और इब्रार भाई ने ना ये ईद पे सूट पहना है, आज चौथा दिन है अभी तक इसने नहीं उतारा। और ये है जहद भाई की फैमिली, शहद भाई की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इधर आए हुए हैं तो इंशाल्लाह फुल इंजॉय होगा। इंशाल्लाह अभी खाने का टाइम हो गया है माशाल्लाह से। हाँ तो अभी खाने का टाइम हो गया है तो अभी मेरी जो फैमिली है ना मेरे साथ आई हुई है तो वो असगर भाई के घर है, तो इनका घर और असगर भाई का घर जो है ना वो साथ साथ ही है, एक ही गाँव में है जैसे हमारे घर है उधर। तो यहाँ जो हम सफ़र तय करके आए हैं वो तकरीबन 60 किलोमीटर का है। 60 किलोमीटर सफ़र करके हम जो है ना कुछ कारों पे आए हैं और जो इब्रार भैया ना वो असल में कहता है इसे मोटरसाइकिल पे हम लेकर आए हैं क्योंकि वो उसका दम घुटता है कार में। तो व्यूअर्स ईद जो है हमेशा अपनों के साथ। और आज तीसरा दिन है। तो आज माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन है और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से और हमारे पूरे गाँव की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ पर खाने का इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, चटाई जो है ना इन्होंने बिछा के रखी हुई है। तुझे क्या है, तू मेरी साइड पे कैमरा कर लेते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सिकंदर मामू जो है वीडियो कैसे बनाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे इनकी वीडियो, तो ये माशाल्लाह हर एंगल से जो है। तो देख अभी आ गई है तो इन्होंने चिकन कौरमा पकाया है। आप इनकी हेल्प कर रही हैं आप ही, आपकी ये बात बहुत अच्छी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मैं वही मेज़बान होती है, चाहे कहीं मेहमानों के घर में जाऊँ तो वहाँ की मेज़बान जो है मैं भी बन जाती हूँ। तो बस अभी हम देख में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। की तैयारी हो रही है, खाना जो है ना लगाया जा रहा है। जो ना माशाल्लाह से खाना जो है ना लग गया है तभी ये कह रहे हैं अभी बैठो सब, सराकी में कह रहे हैं ये सब बैठो। चलो ये बेहैंड थे सीन आप समझ लें। ये देखिए माशाल्लाह खाना कितना प्यारा बना है, अब सबर नहीं हो रहा। तो व्यूअर्स अभी जो ना हमने खाना शुरू कर दिया, ये देखें माशाल्लाह ये चिकन है और ये साथ में बोटी और इसमें जो है ना तेल ज़्यादा है कुछ। बिस्मिल्लाह। ये चौधरी बाबर तो शुरू भी हो गया है। खा भी लिया खाना, तीसरी बार खा रहा। सुनाओ सलमान भाई कैसा है, जबरदस्त ये भी बहुत मज़ेदार खाना, बड़ा जबरदस्त है।
मिर्च ना खा तू सलमान भाई खाने के टाइम नहीं बोलना चाहिए ना। और प्याज भाई अम्मी अचार भी खाना, अचार भी खाना। सब नाम पाने सब खुद तो माशाल्लाह से जो है ना खाना हमने खा लिया है। अभी इधर फैमिली लगी हुई है बाकी वाली सारी। और खाना भी बड़ा मज़ेदार था, ज़बरदस्त खाना था। तो अभी कुछ पीछे बैठे हैं खा रहे हैं और पार्टी जो है ना ऐसे समझ लें कि ख़त्म हो चुकी है। ये हाथ साफ कर लूँ आपके कपड़ों से? यार अगर तुझे मेरे कपड़ों के साथ ही करना है तो तू कर ले बस। मैंने कुछ मना करना है? मुझे जो व्यूअर्स है ना मुझे छोड़ेंगे नहीं, जैसे आपके फैन है। मैंने अपने कपड़े फड़वाने हैं उनसे भाई। मैं तो ये उनका गाँव है, यहाँ पर ज़मीनें जो है ना वो ज़्यादातर शोर वाली होती हैं। ये देखें यहाँ पर ज़्यादातर काश्त होती है गन्ने की और कमांद की, और इसके अलावा जो है ना मुंजी की, धान की। और इधर जो नहरी पानी है उसका वसैल भी नहीं है। यहाँ पर हर किसी के ट्यूब वेल हैं, वो सामने ये एक सामने भी लगा हुआ है इधर। तो यहाँ पर सबके अपने अपने ट्यूब वेल लगे होते हैं। तो पार्टी ये देखें ख़त्म हो रही है और अभी हाथ मुँह धो के सब जो है ना रेडी हो रहे हैं। तो वीडियो का यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है आप सब बहन भाइयों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में इसी चैनल पे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।